वेलकम बैक टू नियना व्लॉग्स। एंड अब आप सब सोच रहे होंगे हम कहाँ निकल गए हैं, जब सबको घर रहना चाहिए, बाहर इतना भी अच्छा नहीं है घूमने के लिए, हम कहाँ निकल गए। तो लेट मी टेल यू, ये लॉकडाउन से पहले की बात है। जो हम लॉकडाउन के पहले हम बनेरघट्टा नेशनल पार्क गए थे, वहाँ जू भी है, वहाँ गए थे, वहाँ की ट्रिप है। एंड हमने सोचा क्यों ना इन सबको, ये जो भी हमने वीडियोस सब शूट की थी, क्यों ना इन सबको, इन सब क्लिपिंग्स को साथ में मिलाकर एक अच्छा सा ब्लॉग बना दिया जाए, सो दैट हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर सकें वे वी हैव बीन एंड ये कितनी अच्छी ट्रिप थी। तो हमने सुबह 10 बजे के करीब छोड़ा था वहाँ नेशनल पार्क जाने के लिए। एंड हम ना यूजली सब वीकेंड प्लान करते हैं, बट वी डोंट फील टू गो इन वीकेंड, क्योंकि वीकेंड में क्या होता है, पहले तो जानवर जो बाहर रहते हैं उन पर इतने सारे लोग, वहाँ क्राउडेड हो जाता है, पूरा जू इतना भर जाता है, रोड्स भरी रहती हैं, जू तो स्पेशली भरा रहता है एंड सारे लोग वहाँ इतने क्राउड हो जाते हैं कि वो एनिमल के ऊपर जंप करके सब खड़े हो जाते हैं, एनिमल्स नज़र ही नहीं आते। फिर इतना क्राउडेड में तो कंफर्टेबल नहीं होता इंसान, तो यूजुअल दैट्स द रीज़न हम एक बहुत अच्छा दिन चूज़ करते हैं जब सब की ऑफ हो, अगर कोचिंग क्लास हो, पढ़ाई हो, तो वहाँ पे भी छुट्टी मिल जाए या छुट्टी हो, तो ऐसा हम दिन प्लान करके एक वीकडे पे ही निकलते हैं। रोड्स खाली रहती है जू की तरफ की, यू कैन सी कि सारी रोड्स खाली है जहाँ जू की तरफ निकल रहे हैं, तो हाईवे खाली रहते हैं ज़्यादा, मॉर्निंग एंड इवनिंग ही फिल्ड अप रहती है सारी रोड्स। हम ब्रेकफास्ट करके घर से निकले थे, लंच हमने पैक कर लिया बिकॉज वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। तो जू हम 1.5 आवर में पहुंच गए थे क्योंकि रोड सब खाली थी। तो ये था जू का मेन गेट। एंड यू नो उस दिन एक दिन पहले बारिश हुई थी, तो अगला दिन पूरा जो था वो बहुत अच्छा कूल डे था, कोई गर्मी नहीं थी। तो गर्मी होती है तो सारे जानवर क्या होते हैं, घर के अंदर चले रहते हैं, कोई एनिमल बाहर नहीं नज़र आता, तो इसलिए हम ठंडा दिन भी देखते हैं। यू नो प्रॉपर डे चूज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो देखिए सारे जानवर जितने भी एनिमल्स थे सब अपने घरों से बाहर थे। कॉलेज वॉज अ वेरी गुड डे एंड इट्स नॉट वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव कम हियर, हम पहले भी आए हैं बट इस बार हम बहुत देर बाद आए थे यहाँ पे, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम घूमने के लिए निकले थे। एंड स्पेशली हमने नेशनल पार्क चूज़ किया था, सोचा कि रिजर्व फॉरेस्ट देखा जाए, जानवर को, एनिमल्स को देखा जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम कहीं अच्छी से जगह के घूमने नहीं निकले थे। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक वैन रहती है और एक जीप रहती है जो हमें अंदर रिजर्व फॉरेस्ट में लेके जाती है, अंदर के जो एनिमल्स है रेदर देन जू, जू के अलावा अंदर जो रिजर्व फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं उन्हें दिखाने के लिए। एंड जो जीप है उसमें 5 मेंबर्स जाते हैं, जो वैन है उसमें मोर देन 5, लाइक आई थिंक 9 to 10 पीपल जाते होंगे। तो फिर वहाँ अंदर फॉरेस्ट देखने जाते हैं, वहाँ पे एनिमल्स सारे ओपन रहते हैं, लाइक जैसे फॉरेस्ट में रहते हैं बिल्कुल वैसा ही रहता है। एंड यू नो उस दिन काफ़ी लोग नहीं थे, एज आई टोल्ड यू कि वीकडे था तो लोग कम थे, तो हमने जीप चूज़ कर ली थी क्योंकि काफ़ी कम लोग थे। तो फिर हम अंदर गए थे एंड अंदर भी क्लाइमेट काफ़ी अच्छा था उस दिन, तो सारे जो एनिमल्स थे सब हम आराम से देख पा रहे थे, मतलब वो बाहर ही घूम रहे थे, कोई ऐसे लेजी की तरह नहीं पड़ा हुआ था, सब काफ़ी एक्टिव थे। एंड ये प्लेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जो जंगलों में लेक रहती हैं जहाँ सब एनिमल्स जाके पानी पीते हैं, ये वो वाली प्लेस थी। एंड यहाँ एक ही नहीं है, देयर आर मैनी मोर लेक्स, एंड ये पूरा हमने पूरा नहीं घुमाते, वो लोग सिर्फ उन्होंने एक पार्ट चूज़ किया है, वे दे फील लाइक कि यहाँ से यहाँ घुमा के आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं घुमाते बिकॉज ये फॉरेस्ट एक्चुअली बहुत बड़ा है, बहुत बिग है।
तो ये प्लेस ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो यहाँ मैंने कुछ पिक भी क्लिक कर ली थी। एंड यू नो व्हाट गाइस, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो आई डिडंट मेक सो मैनी क्लिपिंग्स, मैंने इतनी सारी वीडियोस नहीं बनाई इसकी, तो जितनी है उतनी मैंने ऐड कर दी है। रेस्ट ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। तो आफ्टर सफारी हमने बोटिंग कर ली, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे तो एवरीथिंग वॉज ओपन, तो सबके लिए देवर है कि हाँ सब ओपन। ज़्यादा लोग होते हैं तो वो बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है एंड दे फील कि कोई अनहोनी ना हो जाए, मे बी कुछ ऐसा होता होगा, तो तब नहीं खुला रहता। तो उसके बाद हमने बोटिंग करने के बाद हमने फिर सोचा मंकीज़ वगैरह सब देख लेते हैं, कि बाकी का जू भी घूम लेते हैं। बिकॉज एक बार हमने जू की टिकट ली हो तो फिर अगर हम लंच करने के लिए बाहर चले गए तो वी कैन नॉट एंटर इन साइड, तो हमने सोचा पहले जू भी सब घूम लेते हैं। इसलिए हम घर से ब्रेकफास्ट करके आए थे सो दैट हमें ईजी रहे, नहीं तो क्या होता है जू में बहुत घूमना रहता है, चल चल के ही जान जाना होता है। यहाँ पे वो रखी होती है इन्होंने लाइक उसे वो बग्गीज टाइप की होती हैं जी, हाँ वो पूरा जू घुमा देते हैं, लेकिन उसमें कहाँ मज़ा आता है, हर एनिमल को जो देखने का सामने से देखने का मज़ा आता है वो ऐसे ही कहाँ बग्गी में घूम के आएगा। तो यू नो चल के जाने का मज़ा ही कुछ और रहता है एंड क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा था एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट पूरा जू देख लिया था एंड हम सफारी में भी घूम के आ गए थे, हमने सोचा लंच कर लेते, उसके बाद हम लंच करने के लिए बाहर चले गए थे। एंड आफ्टर दैट हम बटरफ्लाई पार्क आए थे, काफ़ी लेट हो गए थे बटरफ्लाई पार्क के लिए, बट वो बंद ही होने वाला था, शाम हो गई थी इसी चक्कर में। एंड यहाँ पे इतने सारे बटरफ्लाई, अगर हाथ खोलोगे तो आपके हाथ में आगे बटरफ्लाई बैठ जाएगी। एंड इट्स ये पूरा रूम रहता है जैसे ग्रीन हाउस रहता है, अंदर पूरे इतने सारे प्लांट्स रहते हैं एंड यहाँ पूरे इतने सारे बटरफ्लाई रहते हैं, ऊपर इनके पूरे घर बने हुए हैं, तो मैं ऐसे मटका जैसा लगा रखा है ऊपर जहाँ ये रहती हैं, सारी बटरफ्लाईज रहती हैं। कभी कभी तो सर पे आके भी बैठ जाती है, लाइक वो पूरे वहाँ एरिया में पूरी बटरफ्लाईज ही घूमती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही लास्ट वीडियो थी जो मैंने वहाँ शूट की थी, और तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी एज आई टोल्ड यू, तो ये लास्ट वीडियो थी जो मैंने शूट की। तो आफ्टर कंबाइनिंग ऑल द क्लिपिंग्स और जितने भी वीडियोस थे, आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, हमारा घूमने वाला ब्लॉग कैसा लगा, तो हमें ज़रूर बताइएगा। एंड डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ नियाना व्लॉग्स।